विषय जो भी सीखें आप, पर इसका ज्ञान जरूरी है। आपकी विजय यात्रा मानो भाषा बिना अधूरी है। मिलकर बढ़ाएंगे हम साथियों सफलता से नजदीकियां, एकाग्रता के साथ सीखेंगे मातृभाषा की बारीकियां। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप सीखेंगे हिंदी भाषा मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। जिनका सम्मान दिया इज्जत दी, उसी आदमी ने आपके सम्मान को भेद हो जाए। आपके सम्मान का अपमान किया वही आपके द्वारा ऐसे लोग जो किसी का अपमान करे उनका तो समय ऐसे जान पड़ना। अब तो केवल इसकी आया किसी के कानून से छुटकारा मिले इसलिए मदद करना। आपको विश्वास और भरोसा देता आप जिस पवन का कहीं कोई अपमान नहीं होने को सम्मान होना। वही किसान आंदोलन को जब तक किसान को किसान का सम्मान वापिस मिले और तीनों तब तक इस लड़ाई में अन्य भक्ति में खड़ा होकर के लड़ने का काम करना आपसे करने आया था। आपने मेरी बात की, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आपके गांव ने पगड़ी चौधरी देवीलाल जी को भी पहनाई थी। चौधरी देवीलाल जी ने आपकी उस पगड़ी को प्रधानमंत्री के पद पर ले जाने का काम किया था। आपने पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी पहनाई थी। कांग्रेसियों ने षड्यंत्र रचा, 10 साल की कैद करा दी, लेकिन आपकी पगड़ी किसी के कदमों में रखने की बजाय 10 साल की कैद स्वीकार कर ली। एक पगड़ी आपने दुष्यंत के सर पर भी रखी होगी, रखी थी कि नहीं रखी थी? जब भी आया करता क्या करते, चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप है पगड़ी सिर पर धर दिया करते। देख लिया चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप रह गया अभी बाकी, देख लिया कि नहीं देख लिया? पगड़ी आपने इस भरोसे पे उसके सर पे रखी थी कि चौधरी देवीलाल का खून है, अरे उस पगड़ी को कहीं ना कहीं मान सम्मान देगा। लेकिन उसने उस पगड़ी का सम्मान करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के कदमों में ले जाकर के रख दी। जहां उस पगड़ी का अपमान किया, जहां आपके गांव का अपमान किया, वहीं चौधरी के देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया। अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलता तो आज साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा करके किसानों के साथ आकर के खड़ा हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन उसको किसान प्यारा नहीं, चौधरी देवीलाल की नीतियां प्यारी नहीं, उसको तो केवल कुर्सी का लालच है। पैसा कैसे कमाया जाए उसके लिए सारा दिन डाके डालने का काम करता है। पहले मेरी जेब में हाथ रखता था, आजकल थारी जेब में हाथ रखता है। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहना, आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाना और इस किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करना। मैं आपको एक ही विश्वास और भरोसा देता हूं, जो पगड़ी आपने मेरे सर पे रखी है, जैसे चौधरी देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी पगड़ी का सम्मान किया था,
उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके आपके इस पगड़ी का सम्मान करूंगा और ना केवल सम्मान बल्कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ न्याय हो, MSP का कानून लागू हो, कृषि के तीनों काले कानून रद्द हो, ये जब तक नया कानून नहीं बन जाएगा और ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, आप बड़ी संख्या में आए इसके लिए आपका आभार। पगड़ी की अपनी एक पहचान होती है, पगड़ी एक बहुत बड़ा सम्मान है। किसी भी गांव में आप जाते हो, अगर आपके सर पे कोई पगड़ी रखता है तो उसके साथ साथ इस बात को लेकर के भरोसा भी करता है कि मेरे द्वारा पहनाई गई पगड़ी जो गांव की इज्जत है, ये इस पगड़ी का सम्मान करेगा। आपने पगड़ी पहनाई चौधरी देवीलाल ने, चौधरी देवीलाल को जो पगड़ी आपने पहनाई, चौधरी देवीलाल ने उस पगड़ी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम किया, उसका सम्मान बढ़ाया। आपने पगड़ी पहनाई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की सरकार में बैठे लोगों ने 10 साल की वैध करा दी थी, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी पगड़ी को किसी के कदमों में रखने की बजाय 10 वर्ष की कैद को स्वीकार कर लिया। एक पगड़ी आपने दुष्यंत को भी पहनाई होगी, पहले तो आप पहन था वो हाँ जी जोड़ी साहब पहले तो आप पहन था वो करा किया मैं सारा संगठन संगठन का नाश तो सिद्ध करा करा दी। पगड़ी पहनाई उस वक्त आप ये भी कहते थे, जब वो पगड़ी पहनाते थे आप लोग तब ये कहते थे कि चौधरी देवीलाल का दूसरा स्वरूप है, रूप है, कहते थे कि नहीं कहते थे, ये कहते थे चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप है, देख लिया नहीं देख लिया दूसरा रूप आपने भी देख लिया, आप लोगों को कह दीजिए आपने तो जो पगड़ी पहनाई थी ये सोच के पहनाई थी कि चौधरी देवीलाल का पड़पोता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोता है। ये जो बात हमारे बीच में आज खड़ा होकर के कह रहा है उन बातों को पूरा करेगा, लेकिन उसने जहां की पगड़ी का अपमान किया, जहां आपका अपमान किया, वही चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और आपके दिए हुए सम्मान को भाजपा के नेताओं के पैरों में रखने का काम किया। अर्थात नहीं रखा पैरों में, वो गलती भी मेरे शरीर की पहनी का डर करने चढ़ते गलती तो आपने नहीं करी थी, सही बात आपकी, आपकी गलती थी। मैंने तो ये सोच करके उन लोगों को आगे बढ़ाया था, युवा पीढ़ी के लोगों को अपने साथ खड़ा करेगा और युवाओं को कहीं ना कहीं ताकत देगा, लेकिन उससे तो युवाओं को भी अपमानित किया। ताकि एक पगड़ी आपने मुझे भी पहनाई है, मैं आपको एक बात का भरोसा देता हूं, आपके द्वारा जो पगड़ी आज पहनाई गई है, इस पगड़ी को ना केवल सम्मान करूंगा बल्कि जब तक एक कृषि के तीनों कानून खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप इस पगड़ी को पहन करके इस लड़ाई को लड़ने का काम, जब तक किसान को दोबारा सम्मान नहीं मिल जाएगा तब तक इस लड़ाई की अगवानी करूंगा। आज तो केवल आप इतना ही कहने आया था, जिन लोगों ने आपका अपमान किया, जिन लोगों ने आपके साथ कुठाराघात किया, बेईमानी करी, ऐसे लोगों को समझाने पर सबक सिखाना और इस किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए गांव के अंदर कमेटी बना करके और इस आंदोलन को मजबूत करना है। मोदी ने एकदम बहुत बढ़िया कर दिया, अगर ये मोदी कृषि के तीन काले कानून ना बनाता तो फिर आपका भाईचारा इकट्ठा नहीं होता। मोदी ने भाईचारा इकट्ठा कर दिया नहीं कर दिया, भाईचारा बना दिया,
और भाईचारा भी केवल आप आपके गांव का नहीं, पूरे देश के किसान का भाईचारा इकट्ठा कर दिए। आपको पंजाबी बोलने लग गया, मैंने वहां पंजाब के सरदारों को, बड़ी बड़ी गाड़ी वालों को हुक्का पीते देखे, हुक्का पीना सीख गए। और ये हमारे हरियाणा वाले जो पंजाबी बोलना सीखे, तभी तो भाईचारा मजबूत हो। ये भाईचारा सदा सदा के लिए मजबूत हो, इसके लिए अपने गांव के भाईचारे को मजबूत करो, परिसान को ताकत दो। यही बात आपसे करने आया।